हे hey, नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ पे। दोस्तों समझने की कोशिश करेंगे कल मार्केट कहां पे मूव कर सकता है, कौन से स्टॉक्स रहेंगे जो आपको पैसा बना के दे सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए अभी अगर हम देखेंगे बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो है। बैंक निफ्टी आज सारा दिन एक छोटे से मूव में काम किया है। अगर हम देखें इसका हाई और लो अगर हम कैलकुलेट करें तो अप्रॉक्स 206 पॉइंट का मूव बन रहा है भाई, कि सारा दिन मार्केट ये 206 पॉइंट के बीच में घूमता रहा तो कोई भी ज़्यादा मूव नहीं मिला। हमने जो भी ट्रेड्स लिए, जीरो हीरो हमने लिया, 30 रुपये से 45 रुपीज़ तक गया, उसके बाद फिर वो ज़ीरो हो गया है ना, तो अप्रॉक्स 14-15 रुपये बना, जो कि खाने लायक होते नहीं है 14-15 रुपये बैंक निफ्टी में, कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हमारे कैपिटल का 50% था, वो 30 रुपीज़ पे, यानी हमने अप्रॉक्स 750 रुपये इन्वेस्ट किया एक लॉट में, उस 750 रुपये में हमें 15 रुपीज़ का रिटर्न, यानी कि हमें अप्रॉक्स जो है 350 से ज़्यादा का रिटर्न आ रहा था। तो समझ में आ रहा है कि हमने 50% हमारे कैपिटल का हमें मिल रहा था। अगर हम देखें तो बुक भी हम कर सकते थे, बहुत सारे लोगों ने बुक भी किया, पैसे भी कमाए हैं और बहुत सारे लोगों ने नुकसान भी खाया, राइट। आज मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं था बाकी। अब कल कहाँ मूव कर सकता है मार्केट, कल अगर हम देखेंगे तो 37,700 का लेवल, वही सेम लेवल, जी हाँ बिल्कुल, जो लेवल आज हम वेट करते रहे आज हमें नहीं मिला, 37,700 का लेवल आपके सामने है। इस लेवल का ब्रेकडाउन चाहिए हमें मार्केट में फॉल लगाने के लिए। सबसे पहला टारगेट 37,420 एंड उसके बिलो 37,000 के टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। अब अपसाइड में मेरे भाई एकदम आसान है, 37,900 के अबव हम बाई करेंगे और 38,000 पहला टारगेट होगा, उसके बाद 38 के बाद 38,400 का लेवल हमें देखने को मिल जाएगा, राइट। ये हमारा कल बैंक निफ्टी में लेवल होगा, इसके बीच में अगर मार्केट खुलता है और कंसोलिडेट करता है तो अवॉइड करेंगे, राइट। अभी निफ्टी की बात कर लेते हैं फटाफट से। निफ्टी में अगर हम देखें निफ्टी भी सेम उसी तरह से रिमूव किया है। मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ सारे ड्राइंग्स को, अभी आप देख पाओगे छोटा सा जोन में, लेकिन निफ्टी ने ब्रेक डाउन देने की कोशिश की है और ब्रेक डाउन अप्रॉक्स आया है 17,800 का लेवल है। अगर कल मार्केट एक गैप डाउन खुलता है या 800 के नीचे ही खुलता है, जहाँ पे आज बंद हुआ है यहीं के आसपास खुलता है, तो आप ध्यान रखिए कि ये वाला स्टॉप लॉस आपको प्लेस करना है। अप्रॉक्स जो है वो 840 का स्टॉप लॉस होगा, 840 के स्टॉप लॉस से आप मार्केट में आराम से सेल कर सकते हैं और एक बड़ा टारगेट आपको देखने को मिल सकता है जो कि 600 तक का भी हो सकता है, राइट। बाइंग करने के लिए हमें कम से कम नहीं तो निफ्टी को 860 रुपीज़ के अबव निकलना पड़ेगा, बल्कि 880 के अबव अच्छा खासा बाइंग आएगा। 880 के अबव निकलता है तो एक शानदार तेजी आपको देखने को मिल जाएगा 17,880 के। कुछ स्टॉक्स है हमारे पास, सबसे पहला स्टॉक है हमारा टाटा स्टील, मैं टाटा स्टील लगा लेता हूँ। टाटा स्टील में अगर आप देखोगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट में क्या सिनेरियो बना, मैं एक बार रिमूव कर दे रहा हूँ जो भी ड्राइंग्स हैं, राइट। यस, मार्केट में क्या सिनेरियो बना, मार्केट गैप अप ओपनिंग दिया एंड फिर गिरावट का सामना हमें करने को मिल गया। अब कल अगर हमें 1280 रुपये के नीचे जाता हुआ मिलता है टाटा स्टील, तो एक हम सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे 1280 के बिलो और 1300 के अबव, ये लेवल के ऊपर हम इसमें बाइंग का सिनेरियो ढूंढेंगे, ठीक है ना, ये हमारा लेवल होगा। फटाफट से आज मैं वीडियो को ख़त्म करूंगा, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास SBIN में भी एक फॉल का सिनेरियो हमें नज़र आ रहा है। अगर देखेंगे यहाँ पे मार्केट गिरावट आया है 460 रुपये के नीचे, एक फॉल का सिनेरियो क्रिएट कर दिया है, गैप अप ओपनिंग खुला था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट कंटिन्यूस फॉल होकर नीचे आया है। अभी हमारे पास 454 का एक लेवल है और अगर ये कल मार्केट 454 का लेवल ब्रेक करता है तो 450 का पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट 446 का होगा। ये देख लीजिए, बाइंग करने के लिए हमें कम से कम इस जोन के ऊपर निकलना पड़ेगा जो है 460-461 रुपये के ऊपर, ठीक है। ये हमारे कल के लिए कुछ स्टॉक्स हैं। नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास कौन सा होगा, नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास है HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, मैं लगा लेता हूँ, तो मैं एक बार ऐसे नोट कर ले रहा हूँ, लिख ले रहा हूँ। हिंदुस्तान यूनिलीवर में देखिए एक अच्छा खासा लेवल पे सेम वही फॉलिंग वाला लेवल बनाया हुआ है, एक ब्रेकआउट आया, ब्रेक डाउन किया 2680 रुपये का लेवल और उसके बाद मार्केट फॉल किया है एंड रीटेस्ट भी हुआ है। अब कल हमारे पास HUL में ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट इसके ऊपर नहीं निकल पाता है, यानी कि 2680 रुपये के ऊपर मार्केट नहीं निकल पाता है, तो आपको 2690 कैसल से इसको बेच देना है और आपका टारगेट बहुत अच्छा खासा निकल जाएगा, 2660-2650 के टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे पहला, दूसरा, और अगर अच्छा फॉल आया तो 2600 का भी लेवल देखने को मिल जाएगा, राइट। बाय कहाँ करना है हमें, सिर्फ और सिर्फ हमें
2685 रुपए के ऊपर बाय करना है। अगर 2685 का लेवल तोड़ता है तो हम बाइंग साइड में जा सकते हैं। होप करता हूँ गाइस वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।